करने के बाद मैं तेरे से कैसे गाना जवाब दूंगी? काश काश तू मर्द होता तो तुझे मार कर मैं मर्द मार बन जाती, मगर अफसोस रे तू तो हिजड़ा है, जिससे बहती हुई नाक पोछी जाती वो गंदा कपड़ा है। गंदा गंदा, अरे मैं तो मौत का बंदा, तेरे गले पड़ूंगा तो बिल्ली की तरह बिलबिलाएगी। मारूंगी और तेरे ये के मारूंगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो तीनों नगोड़े मरने के लिए यहाँ ना आ जाए। ठाकुर ठाकुर वे आगे मरने के लिए सत्य जाओ। आ गए हम तीनों डाकू, आ गए गंगा का खून करके गंगा में उसका खून बहाने आ गए। गंगा की तरह हम फिर कोई नया शिकार करेंगे, नकद नहीं उधार करेंगे। आओ तुम तीनों भी आओ और गोली खाओ। गंगा ने इसके दोनों टांग पर गोली मारी है, तुम्हारे तो पीछे गोली मारेगी, कमर के नीचे गोली मारेगी। अब मेरी बात मानो, जिस नाव से आए हो ना उसी से तीनों वापस लौट जाओ, वरना गंगा तुम तीनों को इसी नदी में डुबा डुबा कर मारेगी। गंगा है कहाँ और क्या कर रही है? गंगा तो तुम लोगों की मौत का इंतजार कर रही है। मेरे दुश्मनों, गंगा का इंतजार खत्म और तुम लोगों की मौत का शुरू। सरदार, तुम्हारे तीनों दुश्मन भी आ गए, उन्हें कब मारोगी? मारूंगी, मुच्छड़ हिजड़े को भी मारूंगी, तारा बाई को भी मारूंगी, ठाकरों को भी मारूंगी और उन तीनों डाकुओं को भी मारूंगी। आखिर उन लोगों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो जान लेने पे तुली हो तुम? बताती हूँ बात उन दिनों की है, जब मेरी शादी हो रही थी। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्य देवाय स्वाहा, ओम। कितनी सुंदर लग रही है गंगा। गंगा, तुम्हारी खुशियों को कहीं डाकू तारा की नजर न लगे। अरे तुम तीनों हमारे गांव में क्यों आए हो? अरे ठाकुर, हम भला तुम्हारे गांव में क्यों आते हैं? है? हाँ, हमें पता चला है कि तुम्हारे गांव में शादी है और वहाँ जो नई नई दुल्हनियाँ है ना, हम उसे उठाने आए हैं। क्या शादी है? तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। कैसे? वो ऐसे कि जो मुच्छड़ हिजड़ा डाकू है ना, उसकी बेटी है ताराबाई, और ताराबाई को दूल्हा उठाने का बहुत शौक है। अगर तारा ने दूल्हे को उठा लिया तो समझ लो कि दुल्हन अपने आप हमारे हत्थे चढ़ जाएगी, और मैं ये खबर अभी ताराबाई को भिजवा देता हूँ। क्या? हाँ तारा सरदार, गांव में गंगा की शादी हो रही है। मैंने ढिंढोरा पिटवाया था, कोई गांव में शादी नहीं करेगा, जो दूल्हा बनेगा ताराबाई के हाथों मारा जाएगा। ओम ओंकाराय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम ओंकाराय नमः स्वाहा। कब तारा
नसीहत से डरा नहीं और दूल्हा बनने की सोच से मरा भी नहीं। बंद कर तेरा जुल्म तारा भाई, देखना इस दुल्हन की हायत तुझे खा जाएगी। एक दिन तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जब तक जीती रहूंगी तब तक लाशें गिराती रहूंगी दूल्हों की, और आज मैं तेरे दूल्हे को भी उठाकर ले जाऊंगी। नहीं नहीं तारा भाई, नहीं नहीं नहीं, अरे कोई बचाने वाला भी नहीं है। गंगा दुल्हन बनकर आ गई। ले चलो से हवेली में, सुहागरात हम मनाएंगे। देखो गांव वालों, मेरी हालत जिस तरह तारा भाई ने की है तुम लोगों की भी हालत कर देगी और मेरी इज्जत भी लूट डाली। अब मुझे सहारा कौन देगा, कौन देगा सहारा? मैं तुम्हें सहारा दूंगा गंगा, मेरा नाम है जीवा, आओ मेरे साथ। जो है मेरी नकल, शकल से तो है ये बेअकल, मगर हैरत की बात है ये है मेरी हमशकल। जुगनी, इसका नाम गंगा है, ये बेचारी ताराबाई के जुल्मों की शिकार है। बेचारी? अरे तू इसे बेचारी कह रहा है? मुझे तो लगता है तेरा इसके साथ कुछ टाका बिड़ा है। तुम गलत समझ रही जुगनी। क्या सही क्या, दूध क्या दही क्या, माटी मिले आज मैं बताती हूँ तुझे। अरे याद कर जब ताराबाई ने तुझे गोली मारी थी और तू मर रहा था। मुझे माफ कर दे ताराबाई। नहीं ताराबाई, ऐसा मत कर ताराबाई। मैंने डुग्गी पिटवा के मना भी किया था, फिर तूने शादी कैसे की? ताराबाई हमसे गलती होगी, हमें मत मारो। ई की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। नहीं नहीं तारा भाई, हमें मत मारो। आज तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। लूट मेरी इज्जत, लूट जी भर कर लूट, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। अरे तूले कौन है रे तू, और तुझे गोली किसने मारी? मेरा नाम जीवा है और मुझे गोली तारा भाई ने गोली मारी, लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। तेरी गोली भी निकालूंगी, तुझे डाकू भी बनाऊंगी और तुझे अपना भी बनाऊंगी। याद आया? अरे तू तो मरते मरते जी उठा था शिवा, मैंने तुझ पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अब तू मेरी सांस को भी उठा लाया। एहसान मत बनाओ जुगनी, ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? इसे अब यहाँ से फूर कर दे। एक जंगल में दो शेरनी नहीं रह सकती, वैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। निकाल दे इसे। नहीं जुगनी, ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। इसे मैं डाकू बनाऊंगा और ये गंगा, गंगा की सौगंध खाएगी। इसे डाकू बनाएगा और ये गंगा की सौगंध खाएगी। देखती हूँ।